आप प्लीज कुछ भी ऐसा ना करें, या आपने किसी भी सेंसर की वायर वगैरह बिल्कुल भी ना छेड़े। फैमिली वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी बाइक में एक और दिक्कत आ चुकी है। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी बाइक में ये दिक्कत आ गई है, तो आपको दिखाता हूँ। इधर ये जो चेक इंजन लाइट है ये बार बार शो हो रही है, और ये बाइक स्टार्ट होने पर भी बंद नहीं हो रही। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे जब इंजन स्टार्ट होता है तब ये लाइट चली जाती है, पर अब नहीं जा रही है। देखो बाइक स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट नहीं जा रही है। तो दिखाता हूँ आपको कि ये दिक्कत इस बाइक में कैसे आई है। तो जो भी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों ये एक सेंसर था, आपको दिखाता हूँ। ये इधर एक सेंसर था, मैं बाइक की सफाई कर रहा था, तो उस टाइम ये मेरे से निकल गया इधर ऐसे, और उसकी वजह से ये जो मेरी बाइक में चेक इंजन लाइट है ये बार बार शो हो रही है। तो ट्राई करता हूँ कि आई विश चली जाए। तो अभी तो है, रुको अभी इसको जोड़ के देखते हैं एक बार। अगर आपकी बाइक में भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, कि आपको बाइक एजेंसी ही ले जानी पड़ेगी। तो अभी मैंने जोड़ दी, तो अभी भी शो हो रही है। चलो बाइक को दो तीन बार ऑन ऑफ कर लेते हैं। मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो में कि दो तीन बार आपको इसको ऐसे करोगे तो आपकी बाइक ठीक हो जाएगी, मतलब इसकी लाइट चली जाएगी। देखते हैं। अरे यार एक और मुसीबत, तो मुसीबत भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये मैंने खुद ही करा था। तो अब खुद से गलती होगी, अब खुद सेंसर को निकालोगे तो ये तो हो गई ना। दो तीन बार करके देखते हैं कि क्या होता है, कि बाइक एजेंसी ले जानी पड़ेगी। देखते हैं, तो अब भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो खर्चा तो बेसक कुछ नहीं होगा इसमें। वो एक मशीन टाइप आती है, वो इधर जुड़ती है और फ़ोन से वो रीसेट कर देते हैं। तो देखते हैं स्टार्ट करके। यार एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो 5-10 बार करते हैं, दो बार। तो भी देखते हैं सेल्फ मार्किंग की जाती है लाइट की नहीं। तो यार नहीं जा रही है, चेक इंजन लाइट नहीं जा रही है दोस्तों। तो मैं आपको बाइक को बंद करके बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप प्लीज़ कुछ भी ऐसा ना करें, या आपने किसी भी सेंसर की वायर वगैरह बिल्कुल भी ना छेड़ें, ना किसी सेंसर को खोलें बिना एजेंसी ले जाए हुए, नहीं तो आपकी बाइक में चेक इंजन लाइट आ जाएगी। और ये चेक इंजन लाइट आपको हमेशा कंपनी वाले ही इसको ठीक करके दे सकते हैं, ऐसा कोई ऐप वगैरह नहीं है जिससे कि ये लाइट वगैरह बंद कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप मेरी छोटी सी गलती की वजह से अभी इंजन में चेक इंजन लाइट आ रही है। तो देखें अभी जब जाएंगे एजेंसी में तब कराएंगे इसको ठीक, रीसेट कराएंगे, तो उसके बाद हो जाएगी हमारी बाइक ठीक। ठीक तो अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। बस ये ECU है, इसको ये पता नहीं लग पा रहा है कि जो हमने इसमें सेंसर खोला था वो हमने फिर से जोड़ दिया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।